हाय एवरीवन, आज हम लोग कारीगर को रिव्यू करने वाले, रिएक्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सीरीज है, कहाँ पे रिलीज हो रही है, क्या चल रहा है उसमें, व्हाट इज द हाइप अराउंड इट। पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में। ए बड़े, यानी डुक्सस कम नहीं है? पंचाश बचर धरे कारागारे बंदी, आमी मिर्जाफरेर खुनी। उनी के तो किछु जाने की भावे? की जाने? सब जाने। আপনারা কেন? আমি নিজেও বিশ্বাস করি না, আমি এতদিন ধরে কারাগারে বন্দি আছি, আমার সাজা কি শেষ হবে না? I genuinely loved the video. I enjoyed the trailer thoroughly. Amazing work. Visuals are like, baat start karte hain Chanchal Chaudhary se. Chanchal Chaudhary is one of the finest actors in Bangladesh. Unko do national awards mile hain aur uske ilawa bhi bahut sare awards mile hain that I cannot pronounce, but he is amazing. मुझे इसलिए चंचल चौधरी का पता, क्योंकि मैंने हवा मूवी का ट्रेलर रिएक्ट किया था और उसमें भी चंचल हैं। मैं नाम सही ले रही हूँ ना? बट लाइक वट इज़ दिस गाय, क्या काम कर रहा है। और फिर पता है, मैं एक बात बताती हूँ, मुझे जब मैं किसी एक्टर को या सिंगर को सर्च करती हूँ ना गूगल पे, तो नीचे उसका यूनिवर्सिटी भी आ रहा होता है। इतने पढ़े लिखे एक्टर, इतने पढ़े लिखे सिंगर हैं। हाँ, बांग्लादेश का लिटरेसी रेट अच्छा है, हमसे तो अच्छा ही है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, आर्ट अच्छे हाथों में है वहाँ पे। सीरीज़ का नाम है कारागर, और कारागर का मतलब होता है लॉकअप, जेल को कहते हैं कारागर इन बांग्लादेश, इन बंगाली लैंग्वेज। सीरीज़ का जॉनरा है मिस्ट्री, क्राइम, फैंटेसी, ड्रामा, थ्रिलर है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक प्रिजनर के इर्द गिर्द, जो कि ऑल ऑफ द सडन एक प्रिजनर सेल में अपीयर हो गए, और वो सेल 50 सालों से बंद पड़ा था, और उसमें ऑल ऑफ द सडन एक बंदा अपीयर हो गया। इट्स फैंटेसी एक्चुअली, और वो ये क्लेम करता है कि मैं 251 ईयर्स से इसी जेल में हूँ, और मैंने मीर जाफर को मारा है। जितने भी बाकी प्रिजनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि क्या हो गया। स्टोरी अनफोल्ड होगी आगे। एक लड़की है, एक रिपोर्टर है, एक जर्नलिस्ट है बेसिकली, जो कि उनका इंटरव्यू कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं, और फिर कुछ लिंक निकल आएगा उन दोनों का। स्टोरी बहुत वेल रिटन है, बहुत अमेजिंग है, कोई बच्चों वाली स्टोरी नहीं है। मुझे याद है 2-3 दिन पहले नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी, और इतने ज़्यादा सीरीज़ हैं, इतनी ज़्यादा मूवीज़ हैं, और वो बहुत दे अपीयर वेरी डम्ब टू मी। मुझे लगता है कि बस फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ सीरीज डायरेक्टर्स आर डूइंग इट, कि बस चलो बस कुछ भी बना दो, कोई भी देख ही ले। बट दिस लुक्स लेजिट, दिस लुक्स सॉलिड। बहुत सस्पेंस क्रिएट किया इवन ट्रेलर ने, ट्रेलर में बहुत ज़्यादा कुछ दिखा दिया है, मगर सीरीज़ और भी बहुत ज़्यादा कुछ लाने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होंगी। इट्स गोना बी अमेजिंग। मैं OTT प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इंडियन प्लेटफॉर्म है। अगस्त 19 को ये सीरीज़ रिलीज़ होगी। इसके विजुअल्स अमेजिंग हैं, म्यूज़िक अमेजिंग है, मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद ब्लिंक भी किया हो उसको देखते हुए, ये तुमको ज़्यादा पता होगा।
बट आई गॉट सो मच इन्वेस्टेड. एक अच्छी सीरीज वो होती है जो आपको इट कैरीज यू अवे. आपको बिल्कुल ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गॉट माई अटेंशन. और मैं कहती हूँ चंचल चौधरी को एक और अवार्ड मिल जाएगा. अमेजिंग वर्क, अमेजिंग जॉब. मुझे स्क्रिप्ट बहुत मैटर करता है मुझ जैसे बंदे के लिए. स्टोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लॉट होल्स नहीं होने चाहिए, एंड इट लुक्स लाइक द स्टोरी आई वुड लाइक. डू कॉमेंट ऑन माई वीडियोज. तुम लोग इतना देर बाद मुझे बताते हो ना, इसको ये एक रिकमेंडेशन थी. काफ़ी सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि उसको आप करो रिएक्ट, तो तुम लोगों ने मुझे 9 दिन बाद बताया यार. What is this behavior? Anyways, it looks legit. It looks amazing. I would give it 8.5 out of 10. बहुत अच्छा काम है, बहुत सॉलिड काम है. और एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, वो जो लड़की बोल रही होती है ना बंगला, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. हम जैसी ही है और मुझे लगता है बहुत आसानी से सीखी जा सकती है. मुझे उसकी समझ आ रही थी, वो जब बोल रही थी ना, तुम लोग सब कुछ को कहते हो सब कुछ, राइट? कुछ थोड़ा श का है और बाकी तो थोड़ा सिमिलर ही है. मुझे समझ आ जाएगी अगर मैंने देखी सीरीज तो. आई लव दैट. लेट मी नो अगर जब तुम देखो तो कैसी है. I'll see you guys in the next one. Bye.